ठीक है जी, तो हम आते हैं आस्ता आस्ता अपने लेक्चर की तरफ। आज हमने थोड़ा सा जो ब्रॉड चीज़ें देखनी है यानी कि रीकैप करना है वो है टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं तो मुझे बड़ी अच्छी तरह खुशी होगी कि अगर आप लोग इसमें साथ मेरा दें और हम इसको मिल के जरा रिव्यू कर लें, क्या रीकैप इसका वाई करें। नॉट सर, सबसे पहले इंशाल्लाह। कैटेगरीज देखते हैं, ये सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी कैटेगरीज कौन सी होती हैं। आमतौर पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि क्लाइंट या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होती हैं। ठीक है जी, सबसे पहली चीज यूजर या कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और दूसरी चीज है सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स। दो तरह की रिक्वायरमेंट्स इस तरह हैं कि आमतौर पे सबसे पहले तो एक तो जो सॉफ्टवेयर की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं, जो टेक्निकल उसके एस्पेक्ट्स हैं, वो यूजर या कस्टमर रिक्वायरमेंट कहलाती हैं। कि क्लाइंट आपके पास जो आता है और आपको कहता है कि ना मेरे सॉफ्टवेयर जो है जो आपसे बनवाने जा रहा हूँ वो इस तरह का हो, उसके अंदर ये फीचर हो, वो सॉफ्टवेयर ये करता हो, ये करता हो, ये रिपोर्ट निकालता हो, उसका फ्रंट एंड ऐसा हो, उसके जनाब ये ऐसे डाटा उसके अंदर एंटर हो, ऐसे रिपोर्ट निकले, वो जो सारी कहानी आपको क्लाइंट बता रहा है वो आपकी जिसको आप आमतौर पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी कहते हैं, ये वो हैं। यस सर, ठीक है जी, कस्टमर या यूजर की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एक्चुअली कि क्लाइंट आपसे बनवाना क्या चाह रहा है। सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट्स को इस कैटेगराइज में करेंगे। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स शुड बी स्टेटेड इन नेचुरल लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ फॉर्म्स, सिंपल डायग्राम्स। आप इन रिक्वायरमेंट्स को आमतौर पे किसी ना किसी जो फॉर्म्स हैं या फ्रंट एंड है या GUI है इसकी मदद से आप लेबरेट करते हैं या शो करने की कोशिश करते हैं। डिस्क्राइबिंग द एक्सपेक्टेड सर्विसेज ऑफ सिस्टम बाय यूजर अंडर सर्टन कंस्ट्रेंट्स। जो यूजर है वो आपको बताता है कि जनाब मेरी ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उस रिक्वायरमेंट के साथ आप फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स भी ऐड करते हैं जिसको आप क्या कहते हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं, एक तो रिक्वायरमेंट्स हुआ है जो क्लाइंट आपको दे रहा है, ठीक है, उसको आमतौर पे हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। और जो आप खुद से, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप खुद से भी कुछ चीजें उसमें ऐड करें, हमें यस बताएं। सर, पॉसिबल है यस सर। हम सर, अपने जो डेवलपमेंट के लिए जो हमें चीजें नीड होती हैं फिर वो हम वो भी साथ ऐड करते हैं। उन सर रिक्वायरमेंट्स को उस क्या जाहिर सी कहते हैं। बात तो नहीं कि ना वो टेक्निकल हो, वो तो बैकएंड में हमें चीजें पता होती है, मोस्टली यूजर को नहीं पता होती। कस्टमर को नहीं पता वो होता ये वही वही आयशा, वो रिक्वायरमेंट्स को क्या कहते हैं। नॉन फंक्शनल जी बिल्कुल सिक्योरिटी जिसमें आती है जी, ये फाक ने सही कहा कि सिस्टम। उनको हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। कि आमतौर पर क्लाइंट तो वो आपको डिमांड्स बताता है जो उसने करवाना है या जो सॉफ्टवेयर जिस तरह का वो चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें यस हैं जो कि आप देखना चाहते हैं वो आप खुद से उसमें इंकॉर्पोरेट करते हैं, वो क्लाइंट आपको आमतौर पर नहीं कहता, वो नॉन नहीं फंक्शनल सर, रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है जी, तो ये सारी जो हैं ये यूजर या कस्टमर रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं जिनको आप नॉन फंक्शनल या फंक्शनल की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये सबसे पहली लाइन के अंदर मेंशन भी है। दीज आर अंडरस्टैंडेबल बाई यूजर्स हु हैव नो और लिटल टेक्निकल नॉलेज। ये रिक्वायरमेंट्स जो आप लिखते हैं या इनको आप एलेबोरेट करते हैं ये आमतौर पे क्लाइंट्स के लिए, आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए हैं। स्टेक होल्डर का मतलब कि आपकी एप्लीकेशन के रेलिवेंट जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपकी टीम के मेंबर हैं, टेक्निकल टीम के मेंबर हैं, या क्लाइंट की साइड से हैं। वो क्लाइंट उसका फैक्ट्री का, उस बिजनेस का, उस हॉस्पिटल का मालिक भी हो सकता है, उसके एंड यूजर उसका क्लर्क या KPO या अकाउंटेंट जिसने सॉफ्टवेयर को रन करना है, चलाना है, यूज करना है, वो भी उसका स्टेक होल्डर है। तो ये डिफरेंट स्टेक होल्डर जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स। सिस्टम डिजाइन ओके सर। करेक्टरिस्टिक्स शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल। इसमें आप कोशिश करते हैं कि इसको चीज़ों को टेक्निकल वे में नहीं लिखते, इसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज़ करते, क्योंकि क्लाइंट को आपने बतानी होती हैं। जब आप क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लेके नोट कर लेते हैं, उनको रिव्यू करने के बाद फाइनलाइज करते हैं, तो फिर आप क्लाइंट को कन्वे करते हैं कि जनाब ये रिक्वायरमेंट्स हमने ली हैं या आपने ये चीज़ें हमें बताई हैं, तो क्या आप ज़रा देख के बता देंगे कि जनाब यही चीज़ें हैं जो आप बनवाना चाह रहे हैं। तो क्लाइंट फ़ौरन उनको पढ़ के बताएगा कि जनाब ठीक है यही है। लेकिन अगर आपने उनको कि टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है तो फिर क्लाइंट उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और सही तरह आपको नहीं फीडबैक नहीं देगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करने का मतलब ये है कि आप शुरू में ही तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें और देख लें कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो जब तक क्लाइंट उनको समझेगा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तब तक वो आपको अच्छी फीडबैक नहीं दे पाएगा। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू सेपरेट यूजर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम मोर डिटेल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स।
आप बीइंग ए टेक्निकल पर्सन या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या टीम लीडर कोशिश करें कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें से सिस्टम की टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फीचर्स हैं, उनको सेपरेट रखें और जो नॉन फंक्शनल यानी कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अलग रखें, ताकि आपको समझने में और इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो। अगर आप तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे तो फिर आपको ये आइडिया नहीं हो पाएगा कि जनाब इनमें से क्लाइंट की डिमांड्स क्या हैं। खामखा आप अपना बर्डन जो है उसको इंक्रीज कर बैठेंगे। सर, जी फॉर एग्जाम्पल एक डेवलपर अपनी रिक्वायरमेंट्स में से कोई रिक्वायरमेंट भूल जाता है और वो बाद में उसको ऐड करना चाह रहा था, उसको जरूरी है कि वो अपने क्लाइंट को उस रिक्वायरमेंट के बारे में बताए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं आफाक, ये आपकी मर्जी है। बीइंग ए टेक्निकल पर्सन, आप अगर टीम लीडर हैं या टेक्निकल पर्सन है तो ये आपने अपनी मर्जी से उसमें इनकॉर्पोरेट करनी है। आम तौर पे ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में वो नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनको डिटेल से भी देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। कि अगर ओके मिसाल के सर, तौर पे आप भूल गए हैं तो ये तो आपका डिसीजन है, आपने खुद ही डिसाइड किया था कि ये चीज़ मैं इसमें डालूं सॉफ्टवेयर के अंदर, और आप भूल गए हैं तो क्लाइंट को क्या पता कि आपने क्या डिसाइड किया था और आप क्या भूल गए हैं। यस ठीक है, सर। वो तो क्लाइंट सर अगर स्पेसिफाई लेकिन किया कुछ हो तो फिर ऐसी तो ठीक नॉन है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें हम क्लाइंट को भी साथ लेते हैं। क्लाइंट को साथ लेते हैं। हाँ जी, जो ये डेवलपर चेंजिंग करता है उसमें वो साथ वो क्लाइंट को भी बताता है नहीं, ये तो अपनी आपका एक रिक्वायरमेंट। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना टेक्निकली, कि आप जो जो फीचर्स में डाल रहे हैं वो आप क्लाइंट को कन्वे करें, ठीक है। लेकिन यस सर, अभी हम उस स्लाइड पे आएंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। जस्ट थोड़ा सा वेट कर लो, एक सेकंड। ओके सर, इंक्लूडिंग टू मच बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन इन यूजर रिक्वायरमेंट्स कंस्ट्रेंट्स द सिस्टम डिजाइनर्स फ्रॉम कमिंग अप विद क्रिएटिव सॉल्यूशंस। जो है ना बहुत ज़्यादा कानिंग वो नहीं लिखनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स के अंदर, कि खामखा आपने श्योर बहुत सर, ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करना, सिर्फ टू दी पॉइंट बात लिखनी है जो रिक्वायरमेंट्स जब आप लिखें, ठीक है। क्लाइंट जो ओके सर, है वो आपको कहानी सुनाएगा जो मर्जी करता रहे, लेकिन आपने आपने उनमें से बीइंग ए टेक्निकल पर्सन आपने उस कहानी में से सिर्फ काम की बात, काम की स्टेटमेंट लिखनी है, खामखा चीज़ों को एलैबोरेट नहीं करना। उससे चीज़ें ओके जितना ज़्यादा लिखा होगा उतने ही कन्फ्यूजन के चांसेस ज़्यादा होंगे। द रैशनल एसोसिएटेड विद रिक्वायरमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रैशनेल का मतलब होता है वजह, रीजन, कि फ्लावर रिक्वायरमेंट जो है वो आप क्यों लिख रहे हैं, उसकी वजह क्या है, उसका मतलब क्या है या उसका यूज़ कहाँ पे है, ठीक है। तो जब भी रिक्वायरमेंट्स लिखी जाती हैं तो उनमें उनके साथ उसका रैशनेल भी लिखा जाता है, कि मिसाल के तौर पे ये रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट नंबर 9 आपने लिखी है तो ये इसलिए है कि ताकि आप जनाब डेटाबेस डिज़ाइन कर सकें। फ्लावर रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट नंबर फॉर एग्जाम्पल 11 है तो 11 जो है वो फ्रंट एंड के रेलिवेंट है। जो फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट नंबर 25 है वो रिपोर्टिंग के रेलिवेंट है, तो साथ साथ आप उसका रैशनल भी मेंशन करते हैं ताकि आपको उसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया हो कि ये रिक्वायरमेंट जो है इसका यूज़ कहाँ पे है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इट ओके सर, हेल्प्स इन मैनेजिंग चेंजेस टू रिक्वायरमेंट्स। ये जो रैशनल है, ये जो आप रीजन साथ लिखते हैं, ये आपको कल को अगर चेंजेस करनी है आपने तो उनको मैनेज करने में बड़ी हेल्प आउट करती हैं ये चीज़ें। इजी होता है। दूसरी टाइप है जी सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो को बीइंग ए टेक्निकल पर्सन या सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप हैंडल करेंगे, लेकिन उस एप्लीकेशन, उस सॉफ्टवेयर के रेलिवेंट या उस क्लाइंट के रेलिवेंट कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करेगी। क्या ख्याल है, ऐसी कोई चीज़ है? आपने तो क्लाइंट से सर उसमें रिक्वायरमेंट ली कि जनाब आपने सॉफ्टवेयर क्या बनवाना या सॉफ्टवेयर के अंदर बजट क्या फीचर आप देखना चाहते हैं। ठीक है जी, अच्छी बात है, वो आपने अपने रेलेवेंट चीज़ें ले ली, लेकिन कुछ लीगल, कुछ फाइनेंशियल, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी इन्वॉल्व होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो आप नहीं करेंगे, वो आपकी आपका अदारा करेगा फिर। यस सर, क्या ख्याल है, आपका अगर बॉस मौजूद यस है या आपका कोई डायरेक्टर या सीईओ मौजूद है तो पॉसिबली वो चीज़ें साइन करे। ठीक है, अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो वो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेंशन करेगा। मिसाल के तौर पे कि आप उसमें मेंशन करते हैं कि जनाब हम ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो 3 लाख के अंदर बनाएंगे, ठीक है, और उसके लिए फॉर एग्जांपल 4 माह का टाइम होगा, 4 माह के अंदर हम आपको आप सॉफ्टवेयर डिलीवर करके देंगे। लेकिन साथ में अगर आप ये भी मेंशन कर दें कि जनाब उसके बाद 6 माह तक अगर कोई भी बग आया सॉफ्टवेयर के अंदर तो वो हम आपको फ्री फिक्स करके देंगे। ठीक है,
ये ऐसा ओके डिसीजन जो सर। है ये फिर आपने नहीं करना, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन करके देगी उसको। या आप ये फील करते हैं कि जनाब हमारा कॉन्ट्रैक्ट तय हो गया कि जनाब हम आपका सॉफ्टवेयर 4 माह के अंदर बनाएंगे और 3 लाख रुपया उसकी फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट आएगी, तो अगर क्लाइंट उसके बाद चेंजेस करवाता है तो फिर वो किस रेट पे होंगी, क्या वो फ्री होंगी या उसका चार्ज होगा, अगर चार्ज होगा तो किस रेट पे होगा। ये कहानी जो है यस सर। ये अब आप अकेले बैठ के ये तय नहीं कर सकते, ये आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, ओके अपने सर, बॉस को, थैंक सीईओ को, किसी बंदे को साथ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट खुद ही साइन कर लें क्लाइंट के साथ, कल को आप उस सीट छोड़ के चले जाएं, ठीक है, कहीं और आपकी जॉब हो जाए और आप वहां पर चले जाएं और कोई और बंदा आपकी जगह पे आ जाए, तो जो क्लाइंट है वो आप उस नए बंदे के पास आएगा जनाब, वो कहेगा कि हमारा आपके साथ ये डील हुई थी कल, जो आपकी जगह पे जो बंदा था उसके साथ हमारी ये डील हुई थी कि आप जनाब 6 माह तक हमें फ्री सर्विसेज देंगे, ठीक है। जबकि नया बंदा आके कहे नहीं, मैंने नहीं देनी सर्विसेज, मैं 6 माह तक इतना अरसा जो है आपको कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करूँ फ्री। तो वो जनाब उसके पास कुछ तो हो ना प्रूफ उसके पास कि जनाब आपने ये काम कहा था। अब आप ये नहीं कह सकते कि जनाब वो तो पिछले बंदे ने आपसे एग्रीमेंट किया था, मैंने तो नहीं किया, आप उसको ओन करेंगे उसकी बातों को, ठीक है। वो तभी होगा अगर बाकायदा कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है और उसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के रेलिवेंट होंगी या जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो सकती है, और बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि टेक्निकल एप्लीकेशन के रेलिवेंट होंगी, ठीक है जी। दो कैटेगरीज हो गई रिक्वायरमेंट्स की, ये वही है कहानी जो अभी हमने डिस्कस की या मैंने आपको एग्जाम्पल दी उसकी। दूसरी चीज़ है टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये आमतौर पे जो रिक्वायरमेंट्स हम डील करते हैं बीइंग ए टेक्निकल पर्सन, ये उनकी टाइप्स हैं बेसिकली। मिसाल के तौर पे उनकी जो कैटेगरीज हैं या टाइप्स हैं वो है नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, डोमेन रिक्वायरमेंट्स, इनवर्स रिक्वायरमेंट्स और डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स। 4 तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके साथ ये बीइंग ए टेक्निकल पर्सन या बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको वास्ता पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जिसके बारे में काफ़ी हम वरीड होते हैं, क्योंकि जनरली कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो क्लाइंट है वो नॉन टेक्निकल पर्सन होता है, ठीक है। हम अज्यूम ये करते हैं वो टेक्निकल हो भी सकता है, तो मिसाल के तौर पे आपके पास ऐसा क्लाइंट आ गया जो खुद से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऐसा हो सकता है, तो वो तो आपको बड़े ही अच्छे तरीके से तमाम रिक्वायरमेंट्स देगा। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन है जिसकी डोमेन कोई और है, वो जस्ट बिजनेस का ओनर है, उसको नहीं पता सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे बनता है, या क्या रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, फंक्शन नॉन फंक्शन क्या होती हैं, तो फिर आप ये अज्यूम करते हैं कि वो आपके लिए इलिटरेट है, तो उसको फिर आपने टैकल करना है, ठीक है जी। वो तो आपके आपको अपने बिजनेस के रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स दे देगा कि जना मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो आप ऐसे ऐसे बनाएं, उसके अंदर ये चीज़ें हों। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बीइंग ए टेक्निकल पर्सन आपने खुद से उसमें इंकॉर्पोरेट करनी है, वो हो सकता है क्लाइंट आपको उसका जिक्र ना करे, वो आपने खुद से देखनी है, ठीक है। जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है ऑफन कॉल्ड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव, इन्हेंस या मेंटेन करती हैं। रिक्वायरमेंट्स दैट आर नॉट डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द स्पेसिफिक सर्विसेज डिलीवर्ड बाय द सिस्टम टू इट्स यूजर, ये ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका किसी डोमेन या सर्विस के साथ तअल्लुक नहीं है, ठीक है। ये अलग से कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि जनरल नौयत की हैं, इनको आप तमाम एप्लीकेशन के अंदर एम्बेड कर सकते हैं या डाल सकते हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मे इफेक्ट द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम रादर देन द इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये ओवरऑल किसी भी सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है या उसका डिज़ाइन है उस पर बेस करती हैं या उसके हिसाब से एलेबरेट होती हैं या फाइनलाइज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स आर मेट यू मे हैव टू ऑर्गेनाइज द सिस्टम टू मिनिमाइज कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। आपने मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर बना दिया, क्लाइंट ने आपको कहा कि जनाब आप सॉफ्टवेयर जो डेवलप करेंगे उसमें एक रिपोर्ट बना के देंगे मुझे, कि मुझे फॉर एग्जाम्पल एक ट्रैवल एजेंट है वो चाहता है कि जनाब डेली मैं शाम को ये देखूँ कि आज पूरे दिन में मेरे कितने टूरिस्ट जो हैं वो मेरे एप्लीकेशन के थ्रू या मेरी कंपनी के थ्रू बाहर गए हैं, मैं एक रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, ठीक है जी। आप कहें जी ठीक है जी, बन जाएगी रिपोर्ट, और आप उस रिपोर्ट बना दें।
अब जैसे ही जनाब वो उस मेन्यू पर या उस बटन पर क्लिक करें रिपोर्ट खोलने की, तो जनाब रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट जनरेट होने में 3 मिनट लग जाए, लेकिन जॉब सही आ रहा है, रिपोर्ट निकल सही रही है, लेकिन टाइम बहुत लगा रही है। तो क्या ये मसला बिल्कुल है कि नहीं है? यस सर, मसला है मसला इसे 2 दिन है सेशन में सर, मसला रिपोर्ट है। तैयार कर लेनी चाहिए। क्योंकि एक रिपोर्ट जो है एक दिन की, अगर बंदा एक हाथ से बनाने में 15 मिनट लगाता है और आपका सॉफ्टवेयर 3 मिनट के अंदर जनरेट करके दे रहा है, तो फिर इसका मतलब सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है। सॉफ्टवेयर को तो ऐसी रिपोर्ट जो एक बंदा हाथ से 15 मिनट में बनाता है, सॉफ्टवेयर को तो सेकंड के 1000वें समय बना देनी चाहिए वो। यस सर, तभी तो वो बंदा सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, उस पर पैसा खर्च रहा है आपके पास। अगर सॉफ्टवेयर ने भी उतना ही टाइम लगा के उसको रिपोर्ट को जनरेट करना है, तो फिर आपकी एप्लीकेशन क्वालिटी एप्लीकेशन नहीं कहलाएगी। फिर आपने क्या करना है कि आपने उस सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस पे फोकस करना है कि जनाब ये सॉफ्टवेयर जो है इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, कि जनाब सेकंड के मिली सेकंड या नैनो सेकंड के अंदर रिपोर्ट निकलनी चाहिए। जनाब सेकंड भी बड़ी दूर बात है, कि एक रिपोर्ट के जनरेट होने पर सेकंड लगे ये भी टाइम ज़्यादा है। तो फिर आप क्या करेंगे, कुछ ऐसा मैकेनिज्म अडॉप्ट करेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर एफिशिएंट बन जाए। अब ये जो एफिशिएंसी है, इसके बारे में क्लाइंट आपको नहीं बताएगा कि आपने सॉफ्टवेयर बनाना है एफिशिएंट बनाना है, या एफिशिएंट बनाना है तो कैसे बनाना है, ये क्लाइंट को तो नहीं पता, ये तो आपको पता है। ठीक यस सर, है, आपने ऑनलाइन सिस्टम बना के दिया किसी बंदे को, किसी क्लाइंट को, और पहले दिन जनाब सिस्टम हैक हो जाए, सारा हैकर जो है सारा डाटा उड़ा दे उसका, तो जनाब क्लाइंट तो आपको पकड़ेगा कि जनाब ये सिस्टम आपने क्या बनाया। तो क्या आप उसको कहेंगे कि जनाब आपने तो सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट ही कोई नहीं दी थी हमें, और आप नो जनाब सर, वेबसाइट बना दें, ठीक है, उसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही हो, सेल परचेज हो रही हो, और उस पर कोई लॉगिन पासवर्ड ना हो उस सिस्टम पे, तो कसूर किसका होगा? आपका, क्लाइंट हमारा वो का नहीं होगा। क्लाइंट तो को तो इन यही चीज़ों कहना का है पता कि ही नहीं है कि जनाब एक सॉफ्टवेयर जो है आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो है वो हैक भी हो जाता है, या इस तरह चीज़ें जो हैं वो होती हैं, तो वो तो आप पे रिलाई कर रहा है कि आप उसको एक अच्छा सर, ये हो क्वालिटी सकता सिस्टम है बना कि के हम जब दें। प्रोजेक्ट वो हमें लेके आता है डिमांड हमारे पास, तो हम उसे पहले ही ड्रॉबैक्स बता दें, ये होता है कि नहीं? बिल्कुल, ये होता है कि आप उसको पहले गाइड करें कि जनाब आप ऑनलाइन सिस्टम बनवाने जा रहे हैं, तो ऑनलाइन सिस्टम के अंदर जनाब ये फ्रॉड ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, ठीक है, तो वो फिर आपको कहेगा जनाब ठीक है, अगर ये मसाइल आते हैं तो फिर इसका हल क्या है, क्या ख्याल है? जब आप हल बताएंगे तो सर ये आप इसलिए भी बता सकते हैं उसको कि आप अपना जो रेट है एप्लीकेशन का उसको बढ़ाना चाह रहे हो, जी सर, यस सर, कि जब तक आप उसको डराएंगे नहीं, उसको अहमियत नहीं बताएंगे, तब तक वो आपको सही पैसे नहीं देगा। इसका एक ये पर्पज भी हो सकता है कि अगर सर उसने, मेरा ज्यादा ख्याल है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को पहले ही जो है ना डिस्कस कर लेना चाहिए क्लाइंट के साथ, कि हाँ ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, ये इसकी क्वालिटी होगी तो इसके लिए ये चीज़ जी होगी। बिल्कुल, अगर आप कर लेंगे तो क्लाइंट को आइडिया हो जाएगा कि जनाब एक ये सिंपल एप्लीकेशन नहीं है, इसके ऊपर जो अदारा है या टीम है उसको बहुत कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा का। खपना पड़ेगा, ठीक है, तो तब अगर आप ये अहमियत बता के उसको रेट तय करेंगे ना, फिर वो उसको फौरन मान भी लेगा कि हाँ यार इन्होंने इतने फीचर इसमें डालने हैं, तो फिर जो रेट मांग रहे हैं 3 लाख रुपए मांग रहे हैं, 3 लाख रुपया फिर रीजनेबल है, सही ठीक बात है। लेकिन है, यस अगर सर, आप जस्ट ये कहेंगे कि आपने जो कहा है वो हम बना देंगे और इसका 3 लाख रुपया हम लेंगे, तो वो कहेगा यार ये तो फिर कोई खास बात नहीं है। लेकिन ये अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट्स सामने लिखे हुए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करना शुरू करें उसके साथ कि जनाब आपका सिस्टम जो है वो सिक्योर भी होगा, कि कोई भी इररिलेवेंट बंदा जो है वो आपका डाटा हैक नहीं कर पाएगा, आपकी एप्लीकेशन को करप्ट नहीं कर पाएगा, या इस पे फॉर एग्जाम्पल कोई आपका जो डाटा है उसको चोरी नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा, ठीक है, हम उसको सिक्योर करेंगे, हम उसके लिए फला मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, तो फिर उसको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हाँ यार लगता है ये को काम करेंगे। फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन एक है मार्ग भी। कि मिसाल के तौर पे आपकी एप्लीकेशन, आपको पता है कि समटाइम आपको एप्लीकेशन चलाने के लिए कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन चाहिए होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई .NET फ्रेमवर्क हो गया, या कोई सर्वर जैसे अपाची सर्वर या ऐसा कोई चीज़ वो आप इंस्टॉल करते हैं, तो फिर आपका सिस्टम जो है चलता है, तो अगर आपने ऐसी कोई चीज़ है या कोई सर्वर स्पैक, तो आपने फिर जहन में रखना है कि जनाब आपकी एप्लीकेशन को चलाने के लिए कौन कौन सी कन्फिग्रेशन टूल्स चाहिए, वो आपने उनका शुरू में आइडिया लगाना है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके एप्लीकेशन जो है वो फ्लेक्सिबल हो बाकी एप्लीकेशन के साथ चलने में, ये ना कि जनाब जब आपकी एप्लीकेशन लोड हो जाए बाकी सारा कुछ बंद हो जाए, या आपकी एप्लीकेशन इतनी जनाब हैवी है कि जैसे वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो तो बाकी सारी एप्लीकेशन डाउन हो जाए, या लॉग सिस्टम अगर हम जनरेट करना है कि मिसाल के तौर पे जैसे आपको पता है कि
जब कोई भी बंदा लॉग इन होता है सिस्टम के अंदर, ऑनलाइन सिस्टम के अंदर, तो एक लॉग फाइल जनरेट होना शुरू हो जाती है कि जहाँ फलां यूज़र जो है वो फलां डेट को इतने बजे लॉग इन हुआ, ठीक है, उसने अंदर उसके अंदर फलां फलां मॉडिफिकेशंस की, फलां फलां चेंजेस की, और इतने से फलां डेट को इतने बजे वो लॉग आउट कर गया। ये तमाम लॉग जो है वो जनरेट होता है। जब एक सिस्टम के मल्टीपल यूज़र हों तो फिर लॉग की बड़ी अहमियत होती है। अगर एक बंदा लॉग इन हो के डाटा करप्ट कर दे, डिलीट कर दे, ठीक है, और पता ही नहीं चले जनाब कौन बंदा डिलीट कर गया, क्योंकि उस सिस्टम के फॉर एग्जाम्पल 50 यूज़र हों, जैसे हमारा सिस्टम है यूनिवर्सिटी का, तो इसमें तमाम टीचर्स जो हैं इनके लॉगिन बने हुए, कोई भी बंदा उसमें लॉगिन होकर किसी भी बंदे का डाटा अगर उड़ा दे या अपना उड़ा दे और बाद में कह दे कि मेरा डाटा किसी ने उड़ा दिया, तो फिर कैसे पकड़ा जाए। तो लॉग फाइल जो है या जो भी उसका बैकअप पीछे बन रहा है, वो उससे आइडिया होता है कि जनाब गड़बड़ किसने की है। परफॉर्मेंस का आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने का सबसे एक बड़ा जो है उसकी नीड या ज़रूरत वो परफॉर्मेंस है, कि टास्क जो मैनुअली फॉर एग्जांपल घंटे में होता है वो सॉफ्टवेयर जो है वो सेकंड से भी कम वर्से में करके दे। ये अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, या मैं रिस्टार्ट कर लूँ इसको अगर आपकी इजाज़त हो तो, वो 40 मिनट्स का होगा टाइम। ओके सर, कर लेना करें सर। जी शुरू करते हैं। परफॉर्मेंस जो है उसमें परफॉर्मेंस जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करने वाला एरिया है या उसकी डायमेंशन है किसी भी सॉफ्टवेयर की, क्योंकि सॉफ्टवेयर बंदा आमतौर पे बनाता ही इसलिए है कि वो काम को जल्दी करना चाहता है। जो मैनुअल काम जो है वो 5 बंदे मिलकर 1 घंटे में कर रहे हैं, तो आप वो अज्यूम करता है कि ये काम जो है वो एक ही KPO या क्लर्क बैठा हो सॉफ्टवेयर पे और वो जल्दी जल्दी काम निपटाए, ठीक है जी। अगर आपकी एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्लो है, बहुत स्लो वो आउटपुट दे रही है, तो ऐसी एप्लीकेशन जो है वो क्वालिटी एप्लीकेशन नहीं हो सकती। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब कि आपकी जो आपका सिस्टम है वो एक्सेसिबल है कि नहीं है, कितना इजीली एक्सेसिबल है। आपको पता है कि समटाइम बोर्ड्स की वेबसाइट का आपको आइडिया होगा, BIC लाहौर बोर्ड या इस तरह की वेबसाइट्स, जहाँ पे पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है जब रिजल्ट आते हैं तो रिजल्ट के दिनों में यकदम लोग जो हैं वो एक ही दिन पर जब रिजल्ट आता है तो सारी दुनिया उसको एक्सेस करने की कोशिश करती है और नतीजतन सिस्टम डाउन हो जाता है। जब उस पर ओवरलोड होता है, जब एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं, तो सिस्टम रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। आप इवन बोर्ड की वेबसाइट पे लॉग इन भी करें तो लॉग इन भी नहीं हो रहा होता, ठीक है, या आप किसी भी फीचर को कितने इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, वो कितना यूज़ करने में आसान है, कितना यूज़र फ्रेंडली है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उस सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए। कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो आपने ठीक है परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है उसकी, लेकिन उसको यूज़ करना ही बड़ा मसला है। उसकी समझ ही नहीं आ रही कि यार फलां अगर मैंने रिपोर्ट निकालनी है तो मैं कहाँ जाऊँ तो मुझे वो रिपोर्ट मिलेगी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपने जेहन में रखनी है कि जनाब उसको यूज़र फ्रेंडली बनाना है, ताकि एंड यूज़र जो है वो उसको फील करने में कोई उसको कबाहत ना हो, कोई मसला ना हो। स्टोरेज उसकी प्रॉपर रखनी है, कि मिसाल के तौर पर स्टोरेज जो है वो उसका कोई प्रॉपर बैकअप जैसे होता है कि जनाब आपने ये नहीं कि जनाब जहाँ पे सिस्टम पड़ा हुआ वहीं पे उसकी डाटाबेस भी है और वो ओपन है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, जिसका दिल चाहे जनाब डाटाबेस खोल के देख ले, वहाँ से डाटा को डिलीट कर दे। तो ये आपने तमाम चीज़ें मैनेज करनी है। उसकी कॉस्ट एक अनदर फैक्टर है, कि कॉस्ट आप पे डिपेंड करती है, कॉस्ट आपने बतानी है। जितना आप सिस्टम को एलेबोरेट करेंगे, यानी कि उसके फीचर को बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे, उतना ही आपको कॉस्ट
भी ज़्यादा बतानी पड़ेगी। जितने आप मिनिमल फीचर या मिनिमम फीचर बताएंगे उतनी आपको कॉस्ट भी कम रखनी पड़ेगी, ये फैक्ट है। ठीक है, तो क्लाइंट तो आपको हमेशा यही डिमांड करेगा कि जनाब उसके जितने भी फीचर्स हैं वो तमाम के तमाम इम्प्लीमेंट हों, लेकिन कम से कम पैसे के अंदर। तो ये फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उन फीचर्स को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है जी, डिज़ास्टर रिकवरी है कि जब डाटा अगर खुदा ना खासा डिलीट हो जाए, हैक हो जाए, सिस्टम क्रैश कर जाए, तो फिर आपने कैसे उसको रिकवर करना है, उसको सिस्टम को, उस सॉफ्टवेयर को, उस डाटे को रिकवर करने का मैकेनिज्म क्या है, ये आपने बना के देना है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं दी, आपने जस्ट सॉफ्टवेयर बना के डिप्लॉय कर दिया और दूसरे दिन ही जनाब सिस्टम क्रैश कर जाए, तो क्लाइंट तो आपके पास आ जाएगा फ़ौरन कि जनाब ये आपने क्या सॉफ्टवेयर बनाया, तो दूसरा अभी 2 दिन ही हुआ सॉफ्टवेयर बंद हो गया, तो आप कहेंगे नहीं जनाब हमने तो आपको चलता हुआ दिया था, अब आपकी मर्ज़ी, आपकी किस्मत के जनाब ख़राब हो गया। ऐसा नहीं आप कर सकते, ठीक है ना। आपने लास्ट सेमेस्टर में प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस पढ़ी हुई है ना? जी सर पढ़ी है, जी बिल्कुल। सर पढ़ी है। कोई बताएगा कि प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस पढ़ने का असल ऑब्जेक्टिव क्या था? या उसके अंदर सीखा क्या आपने? सर ऑब्जेक्टिव की समझ नहीं लगी थी, बस भी जा रहे थे ये क्या सर। बात। उसमें बताया गया था कि किस तरह हम कि अपनी फील्ड जाके क्या एथिक्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो हमारे पे क्या लिमिटेशन जो है जब ना हम इम्प्लीमेंट हो प्रोफेशनल किसी जाती है सॉफ्टवेयर हमारे एथिक्स एथिक्स पे क्या काम होने करेंगे, चाहिए। तो हम डिसिप्लिन फिर हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि किस तरह हम वर्क करें, वर्किंग कर सकते हैं, कोशिश की एथिक्स है हमने वगैरह। करने सर मेन तो ये की। IEEE और ACM के कोड ऑफ एथिक्स हम दुबई नहीं निकलना। कोड ऑफ एथिक्स से बाहर नहीं निकलना। अच्छा, ऐसा है कि आपको आमतौर पे जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं BSSC के अंदर, वो है आपकी टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी, आपकी जो फील्ड की डेवलपमेंट है कि आपको स्किल जो आपने सीखनी है वो कैसी हो। मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर डिजाइन आर्किटेक्चर है, तो इसमें आपको बताया जाएगा कि आपने जो SDLC की सेकंड फेज है, डिजाइन फेज, अगर आपने उस पर काम करना हो तो आप डिजाइन कैसे बनाएंगे सॉफ्टवेयर का। ठीक है जी, C++ आपने पढ़ी है, तो उसमें आपको प्रोग्रामिंग के या ऊप के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं कि आपने डेवलपमेंट करनी है, अगर कोडिंग करनी है तो फिर आप कैसे करेंगे। लेकिन प्रोफेशनल प्रैक्टिसेज ये है कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना है, एक टीम की सूरत में काम करना है। कुछ लोग हायरार्की में आपसे नीचे होंगे, कुछ आपके हायर अथॉरिटी होंगे, आपके बॉस होंगे। ठीक है, तो आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे काम करना है। एक प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो आपको बताते हैं कि आपने एक अच्छे प्रोफेशनल तरीके से कैसे काम करना है, अपने काम को चलाना कैसे। क्योंकि जैसे अभी मैंने कहा कि हम अज्यूम करते हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे आपने कैसे अपने हायर अथॉरिटीज को कैसे टैकल करना है, अपनी टीम को कैसे टैकल करना है, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे डाटे की सिक्योरिटी को, उसकी जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करना है। मिसाल के तौर पे आप एक डेवलपर हैं, ठीक है जी, या प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, और आप एक एप्लीकेशन पे काम करें जो कि बैंक की है, बैंक की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो बैंक का जो डाटा है वो आपको पता है बड़ा सेंसिटिव होता है, उसमें कस्टमर्स के अकाउंट्स की डिटेल होती है और उसमें उनके जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनका डाटा आता है कि किसने पैसे निकलवाए, कितने उसके अकाउंट में रह गए और कितने जनाब उसने खर्च कर लिए, कितने आ रहे हैं, वो सारा साफ था। लेकिन अगर आप ऐसी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर जानबूझ के ऐसी कोई बोंगी मार दें कि जिसका आपको फायदा हो फाइनेंशली, आप एक छोटा सा ऐसा चेक डाल दें कि जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं उसका फॉर एग्जाम्पल 0.001% जो है वो आपके अकाउंट में जाता जाए, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी फीचर को आप क्लाइंट से हाइड कर दें, तो ये सर प्रोफेशनल समझ एथिक्स नहीं के लगी, खिलाफ। दोबारा रिपीट कर दें जरा, जी रिपीट कर दें ये बात जो आपने अभी की है, समझ नहीं लगी इस बात की। इसको करना ना शुरू कर देना जो मैं कह रहा हूं। मैं मतलब की बात थी ना सर उसकी। मैं ये कह रहा हूं कि सर जब वो आपने नहीं एप्लीकेशन प्रॉब्लम है ना, खोलनी तो है भाई, इसलिए ये कुछ बात की समझ नहीं लग रही। सिर्फ यहां बंदा ही तक ऐसा आवाज है। आई है कि आपने एक बैंकिंग एप्लीकेशन बनानी है। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई बैंक की एप्लीकेशन बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एटीएम की, ठीक है, एटीएम का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और आपको पता है कि उसमें अकाउंट्स जो उसके अकाउंट होल्डर हैं जो कि बैंक के, उनका डाटा उसमें होगा उसके डाटाबेस के अंदर, और उनकी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं, जितना पैसा वो अपने अकाउंट में उनके आ रहा है, जितना जा रहा है, जितना वो यूज़ कर रहे हैं, वो तमाम की डिटेल उस डाटाबेस के अंदर होगी जो आप सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, यस सर। आप वो सॉफ्टवेयर बनाते हुए बीइंग ए डेवलपर उसके अंदर एक ऐसा छोटा सा चेक रख दें कि जब भी ट्रांजेक्शन हो तो उसका 0.001% जो है उस ट्रांजेक्शन के पैसे वो आपके अकाउंट में चले जाएं। ऐसा हो सकता है?
आप कर सकते हैं हो ऐसे, सकता है सर, ठीक क्योंकि है। हो लेकिन सकता है। अब बजाहर अगर आप मिसाल के तौर पे मैंने अपने अकाउंट से 10,000 निकाला, ठीक है, उसका 0.001% जो है फॉर एग्जाम्पल 5 रुपये बनते हों, अगर हम अज्यूम करते हैं, तो मेरे अकाउंट से अगर 5 रुपये आगे पीछे हो जाए तो शायद मुझे फील ना हो, यस ठीक सर, है। लेकिन मतलब ये है कि एक बैंक है मिसाल के तौर पे नेशनल बैंक है, उसकी डेली की फॉर एग्जाम्पल 13,000 ट्रांजेक्शन होती हैं, तो 13,000 जरा 5 रुपये, ये तो बड़ी दूर बात चली जाएगी। फिर आपने एक ऐसा चेक यस रख सर, दिया उसके अंदर जिसमें बैठे बैठाए मजा आप ही अकाउंट में क्या आ काम करने चले जा रहे जाएगा हैं, ठीक है। तो ये जो काम है ये प्रोफेशनल एथिक्स के सर। अच्छा खिलाफ है। आइडिया दिया आपने सर, हाँ ये आइडिया अच्छा है, वही अच्छा मैं कह रहा आइडिया हूँ है इसको करना ना शुरू कर देना। तो आपने बतौर प्रोफेशनल सर। या बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या बतौर डेवलपर ये जहन में रखना कि आपने ऐसी कोई अनएथिकल बाउंड्री नहीं मारनी, ठीक हो गया। ओके सर, ये आप मिसाल पहले के कहीं तौर पे पे इंप्लीमेंट हुआ है? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का एचआर सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है जी। एचआर सिस्टम वो होता है जिसमें एम्प्लॉयज की अपॉइंटमेंट होती है, सिलेक्शन होती है, और उनकी जो है प्रमोशन होती है, या उनके जो इंक्रीमेंट है वो लगते हैं, वो सारा कुछ ये एचआर वाले करते हैं, ठीक है। आप एप्लीकेशन बना रहे हैं जनाब, और एप्लीकेशन के अंदर आपने छोटा सा चेक रख दिया कि जितना भी डाटा प्रोसेस हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी जो है मेल आपको आती रहे साथ साथ। ऐसा हो सकता है, जैसे आमतौर पे हमें हमारे अच्छा पास ये कॉन्सेप्ट है कि जितने भी ये हमारे पास एंड्रॉयड सेट हैं या विंडो सेट्स हैं, इनमें जितना भी डाटा हमारा है, पिक्चर्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो कंपनी को उसकी मेल जा रही होती है। ऐसे सुना कभी? नो सर, तो नो सर। हैं आप किस दुनिया में फिर रहते सर हैं? वो सिक्योर तो नहीं ना होगा अगर ऐसे करेंगे तो? सर जी हो जाता है ये होता बहुत सारे काम होते हैं है ऐसे। ये जा रहे। यस सर, हो जाता है अगर सर, हम कंपनी खुद ही चाहे, गूगल गूगल ड्राइव पे हम लोग जब अपने मोबाइल की स्टोरेज वगैरह करते हैं तो गूगल ड्राइव पे हम लोग खुद ही अपने पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर देते हैं, नहीं वो तो तो एज हम अ हम लोग भी तो अपनी प्राइवेसी का काफी ख्याल नहीं करते। अगर यानी एंड्रॉयड वाले के आयशा पास चले गए तो इतना कोई इश्यू ये तो तो नहीं आयशा है। वो काम है जो आप खुद कर रहे हैं कि हम खुद उनके गूगल के सर्वर पे अपना डाटा रख रहे हैं, वो तो एक इंटेंशनली हम खुद कर रहे हैं ना। लेकिन हमने तो फॉर एग्जाम्पल तस्वीरें कैमरे से खींची अपने फोन के अंदर, वो हमारी गैलरी के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन हमारा यस सिस्टम सर। जो है, हमारा सिस्टम वो अगर ऑनलाइन है, नेट से कनेक्ट है, तो इसकी एक्सेस उस कंपनी के पास हो सकती है हमारे सिस्टम की जिसने फोन यस डिजाइन सर, किया, डेवलप किया है, हो सकती है सर, होगा ठीक है। अगर सर, उनके क्योंकि जो डेवलपर जो हमारे है, अंदर मोबाइल के ना जो भी आईपी एड्रेस जो भी कोड वगैरह वो तो उनके पास है, वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो अनप्रोफेशनल ये चीज़ है कि अगर वो कंपनी जानबूझ के उसमें ऐसा चेक रख दे कि जैसे ये सिस्टम नेट के साथ कनेक्ट हो, इसका तमाम डाटा की कॉपी जो है हमारे पास आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो सर क्लाइंट को तो नहीं ना इस चीज का पता लगेगा, तो वो तो हाँ क्लाइंट को नहीं मरेंगे। पता लगेगा, यही तो अनप्रोफेशनल है कि आपने क्लाइंट को बताया नहीं है लेकिन चुप करके अंदर कोई ऐसा चेक रख दिया है जिसका आपको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये अनप्रोफेशनल है, यही चीजें प्रोफेशनल प्रैक्टिसेज में आपको पढ़ाई जा रही हैं कि जनाब आपने इन चीजों को जेन में रखना है। बेशक आपके पास एक्सेस है ये चवल मारने की, आप ये बाउंगी मार सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने मारनी नहीं है, आपने एक प्रोफेशनल डेवलपर या प्रोफेशनल हो। जी सर, नहीं वो आहिस्ता सर, आहिस्ता ही होगा सर। नो सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीआर हमें अच्छा गाइड करती हैं। यस जी सर, तो लो वैसे जी, भी अफाक हम ये सबसे अच्छी बात है। मेरे ख्याल आगे चलें, टाइम भाई थोड़ा है। खुश हैं सर। जी तो अफाक को कोई यस मसला नहीं, जी सर, मुझे क्या मसला हो सकता है। यस सर, अच्छा इसके अलावा डोमेन किसी को भी रिक्वायरमेंट्स कोई हैं जी? मसला नहीं है, जी मेरे ख्याल बिल्कुल हम सर। जल्दी जल्दी खत्म कर लें क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। डोमेन रिक्वायरमेंट्स में आपको ये मैंने शायद पहले भी गाइड किया था कि डोमेन हर सिस्टम की अलग है, हर सिस्टम का अपना वर्किंग का तरीका है, हर सिस्टम जो है हर सॉफ्टवेयर अपने तरीके से काम करता है। हॉस्पिटल का काम अपने तरीके से होता है, लाइब्रेरी के अंदर जो बिजनेस है वो अपने तरीके से रन होता है, ऑनर रिजर्वेशन जो सिस्टम है वो अलग तरीके से काम करता है। तो जो डोमेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेपरेट हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट सेम होंगी, बैकअप की रिक्वायरमेंट सेम हो सकती हैं, परफॉर्मेंस की सेम हो सकती हैं, लेकिन डोमेन रिक्वायरमेंट्स हर सिस्टम की सेपरेट होंगी, ठीक है जी। के जो मिसाल के तौर पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है यूनिवर्सिटी का, वो अपने तरीके से काम करेगा, उसमें बच्चों का एडमिशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगी, फीस सबमिशन होगी, अटेंडेंस या सेशनल होंगे, इसके अलावा एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट का जनरेट होगा, और फाइनली डिग्री कंपाइल होगी, ठीक है जी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक पेशेंट आएगा, वो इमरजेंसी में आएगा, इंडोर में आएगा, आउटडोर में आएगा, उसको फॉर एग्जाम्पल
फर्स्ट एड के बाद उसको फारग कर दिया जाएगा, या एडमिट हो जाएगा, वार्ड में जाएगा, कमरे में जाएगा, या उसके टेस्ट होंगे, वो पूरा प्रोसीजर, या ऑपरेशन थिएटर में जाएगा, वो एक अलग पूरी दुनिया है। ठीक है जी, ये डोमेन्स हैं, हर डोमेन्स की रिक्वायरमेंट्स जो हैं हर सेपरेट एप्लीकेशन के लिए सेपरेट होंगी, ये रिक्वायरमेंट्स आपको अलग से कंपाइल करनी पड़ेंगी। इनवर्स रिक्वायरमेंट्स, समटाइम रिक्वायरमेंट्स ऐसी होंगी जिनमें ये लिखा हो सकता है कि फलां काम नहीं करना। आमतौर पर जो रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं क्लाइंट की तरफ से, उसमें तो क्लाइंट ये कहता है कि ये करें, ये करें, ऐसे करें, ऐसे करें, वो तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन समटाइम क्लाइंट आपको ये भी कह सकता है कि जनाब ये काम नहीं करना, ठीक हो गया। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आपको कहीं नजर आ रही है जो इनवर्स है, तो आपने उसको पॉजिटिव रिक्वायरमेंट में बदलना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने हाईलाइट किया ये एक लाइन, ये इनवर्स रिक्वायरमेंट की एग्जांपल है। ऑल यूजर्स विद थ्री और मोर अकाउंट्स शुड नॉट बी माइग्रेटेड। हम अज्यूम करते हैं कि मिसाल के तौर पे एक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, ठीक है, उसे माइग्रेशन करवानी है यूनिवर्सिटी से। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि उसने जनाब यूनिवर्सिटी से माइग्रेट कराना है, तो यहाँ पे जो फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट है वो कहता है कि जनाब जो बच्चा दूसरे सेमेस्टर तक किसी भी सेमेस्टर में है, पहले में या दूसरे में, वो माइग्रेट नहीं करा सकता, ठीक है। अब उसने कहा कि ये काम नहीं करना, तो इसका मतलब ये इनवर्स रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उसको बदलना है आपने पॉजिटिव में। पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे कि आप ये कह सकते हैं जनाब ऑल द स्टूडेंट्स, जिन जिन भी स्टूडेंट से माइग्रेट कराना है उनको चाहिए कि वो दूसरे सेमेस्टर से हर सेमेस्टर में हो, कम से कम तीसरे सेमेस्टर में हो। अब इसमें नॉट का वर्ड हमने एलिमिनेट कर दिया, यानी कि उसकी जो नेगेटिव सेंस थी ना, जैसे मनफी फिकरा होता है इंग्लिश का, या नेगेटिव सेंटेंस होता है, उसको हमने पॉजिटिव में बदल दिया। तो आपने कोशिश करनी है कि जो नेगेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप ढूंढें रिक्वायरमेंट्स के अंदर इनवर्स को, और इनवर्स को एनालाइज करें, डिस्कस करें, और उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें ताकि वो एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट बन जाए। लास्ट पे डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट है कि उसके डिजाइन या आर्किटेक्चर के रेलिवेंट अगर कोई रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो क्या हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आपने शायद ये चीज नहीं पढ़ी होगी, आपको पता है कि डिफरेंट तरह के आर्किटेक्चर होते हैं कम्युनिकेशन के, या डाटा के, या एप्लीकेशंस के। मिसाल के तौर पे जैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में आपको पता है जैसे हम नॉर्मली गूगल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कि हम इधर से क्लाइंट के तौर पे देते हैं कोई रिक्वेस्ट कि जनाब सर्वर से मुझे फलां चीज़ डाउनलोड करनी है, अटैचमेंट डाउनलोड करनी है, तो हम क्लाइंट होंगे और गूगल जो है हमारा सर्वर होगा जो हमें सर्व कर रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसी एप्लीकेशन हो सकती हैं जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन होंगी, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। आमतौर पर आपको पता है कि लाइब्रेरी के अंदर एक सिस्टम पड़ा होता है, एक पीसी या लैपटॉप, वहाँ पे लाइब्रेरियन बैठा होता है और वो सॉफ्टवेयर जो है उसी लैपटॉप पे इंस्टॉल होता है, वहीं पे रन होता है, कोई ऑनलाइन, कोई नेट, कोई ऐसी कोई चीज़ उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो आप सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसकी डिज़ाइन या आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या आपका सॉफ्टवेयर जो है उसको इंटरनेट चाहिए इंप्लीमेंट होने के लिए, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन है बगैर किसी नेट के चलेगा, या उसमें कुछ डिवाइसेज इन्वॉल्व हैं।